करेंगे कैसे निम्नलिखित में से किसी एक लकार लकार धातु लकार पुरुष वचन ये सब बताइए। तो मतलब किसी एक की तो हम याला उठा ले रहे हैं। हमने ट्रिक बताई ना कोई एक करना हो तो शटकोट वाला शाह जिसमें लगा हो तो लिट लकार है वो। अब तो आप कैसे करेंगे देखिए, आप पहले इसको उतारेंगे प्रश्न 10 का गा होगा, प्रश्न 10 का गा और उसमें आप इसका चौथा वाला कर रही हैं तो चौथा वाला है क्या वो उतारेंगे हसिश हसिश यावा। ठीक है ऐसे आपने उतारा। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे पहले से पुरुष कौन सा है इसमें, नहीं सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा इस चलिए आप ऐसे लिख लीजिएगा, इसके नीचे आप हेडिंग डालिएगा लकार पुरुष वचन। ठीक है पहले धातु हेडिंग डाली क्योंकि पेपर में पूछा है ना धातु कौन सी धातु है, धातु हेडिंग डाली उसके आगे लिखिएगा लकार कौन सा है वो लिखेंगे, पुरुष कौन सा है। अच्छा ये बहुत से लोग ये जो उ की मात्रा होती है ये छोटे उ की मात्रा होती है पुरुष में, बड़े उ की मात्रा देखो राम में ऐसे लगती है यूँ करके है ना, गुरु जो होता है उसमें यही वाला मात्रा लगती है पुरुष। और क्या पूछा गया है लकार पुरुष वचन वचन वाचन अवचन। तो हमने ट्रिक बताई है धातु भाई क्या है जो इसके पहले लगा हंसी लगा तो यानी हंस हंस माने हंसना तो हंस धातु हो गया। लकार आप आधा शाह देख के आप समझ जाएंगे कि कौन सा लकार है लिट लकार। लिट की पहचान ये है कि इसको भविष्यकाल कहते हैं, भविष्य में देखो आधा शाह आता ना भविष्यकाल फ्यूचर टेंस है ना, ये टेंसेस होते हैं लकार माने टेंस होता है। पुरुष कौन सा अब ये मुद्दा है, पुरुष बताइए पुरुष कौन सा बताओ। तो इसको पुरुष समझने के लिए देखिए हमने दिखा रहे हैं आपको ये हसीश या वाह, इसमें वह आखिरी में लगा होगा तो ये दिव वचन है, वचन में आप दिव वचन लिख देंगे और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और प्रथम माने थर्ड पर्सन। वैसे प्रथम माने फर्स्ट लगता है लेकिन इसका मतलब थर्ड होता है, फर्स्ट माने उत्तम, मध्यम माने सेकंड पर्सन, आई यू और देह यही। ठीक है तो समझ में आ गई हसी श्यावा। तो यह ती ता अंति सी था था मी वा मा, ये याद रखिए अपने आप आपको याद रखिएगा कि एक वचन कौन सा है द्विवचन कौन सा है। ठीक है ठीक है तो आ लगा है तो लंग लकार है और ऊ लगाया जाता है तो लोट लकार है, एक ही मात्रा लगी तो विधि लिंग लिखना है, ये लकार का ट्रिक है याद रखिएगा। ठीक है और इस तरह ये तीता अंति ये सब याद रखिएगा अपने आप चीज़ें याद रहेंगी। और ये बस बता दिया बस काफ़ी थक गए।